दोस्तों ये वोटेक्स का एटीएम है और इस पे कैलिब्रेशन होना है, और कैलिब्रेशन के लिए पहले आप इंजीनियर से सपोर्ट लीजिए, उसके बाद कैलिब्रेशन करिए। मैं कर रहा हूँ, इंजीनियर ने मुझे ओटीपी दे दिया है और मैं अब कैलिब्रेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले 500 के नोट को कैशियर जगह जहाँ 4 नंबर लगता है वहाँ लगाया, और T2 500 का नोट का है उसको मैंने सेलेक्ट किया, और ये देखिए ये मेरा कैशेट के ये डिस्पेंसर आ रहा है। और देखो इसने 10 नोट इसने ले तो लिया, बट इसको ना उठा के बाहर ले जा रहा है ना वो अंदर डस्टबिन में रख रहा है। इसके मतलब कहीं ना कहीं ये डिस्पेंसर फॉल्टी है, और डिस्पेंसर फॉल्टी की कंडीशन में ये होता है इंजीनियर खुद को आना पड़ेगा और उसको डिस्पेंसर चेंज करना पड़ेगा, या फिर डिस्पेंसर में कोई सेंसर इश्यूज़ होगा उसे रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा छेड़खानी मत करिए, इंजीनियर के वीडियो विजिट कराइए। देखो यहाँ सक्सेस बता रहा है,